कश्मीर में लगी पाबंदियों पर सुप्रीम फैसला आया। कश्मीर में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है, बिना वजह इंटरनेट पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तो जिस तरह से कश्मीर में हालात थे उसी के चलते इंटरनेट कई चीजों पर पाबंदी सरकार की तरफ से लगाई गई थी, लेकिन अब उस पर फैसला पड़ते हुए कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। अपने ऑब्जर्वेशन के साथ कोर्ट ने माना कि इंटरनेट पर लगातार पाबंदी सही नहीं है, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा जरिया जो लोगों को जोड़ने और बिजनेस लोगों का कहीं ना कहीं इस तमाम चीजों से चलता है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए, ऑब्जर्वेशन करते हुए कोर्ट ने भी ये माना है कि लगातार इंटरनेट पर जो पाबंदी लगाई गई है वो ठीक नहीं है। तो आजादी और सुरक्षा में तालमेल बेहद जरूरी है, तो हमारा काम आजादी सुरक्षा के बीच तालमेल बनाना। तो कश्मीर में लगी पाबंदियों पर सुप्रीम फैसला आया है। कश्मीर में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है, बिना वजह इंटरनेट पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इंटरनेट पर लगातार पाबंदी जो है वो सही नहीं है। तो इंटरनेट लोगों की अभिव्यक्ति का आधार है, बेहद जरूरी हालात में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई जाए। अगर हालात ज्यादा ही स्थिति तनावपूर्ण होती है या बेहद ही गंभीर होती है तो तभी इस तरह के कदम सरकार उठा सकती है, लेकिन लगातार जिस तरह से इंटरनेट पर पाबंदी चली आ रही है कश्मीर के अंदर वो सही नहीं है। तो कश्मीर की राजनीति में दखल देना हमारा काम नहीं। हालांकि यहां पर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए ये भी कोर्ट ने साफ किया है कि जो सरकार कदम उठा रही है, जो फैसला यहां पर लिया गया है कश्मीर के अंदर, उसमें दखल देने का काम हमारा नहीं है। आजादी और सुरक्षा में तालमेल जरूरी है और जो सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, तो हमारा काम आजादी सुरक्षा के बीच तालमेल बनाना, लोगों को असहमति जताना का जो है अधिकार है, क्योंकि कश्मीर में लगातार यही लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि जो इंटरनेट सेवा है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि लोगों का जुड़ाव का जरिया है इंटरनेट और साथ ही बिजनेस जो है वो आज इंटरनेट के जरिए ही होता है। ऐसे में लोगों को भारी नुकसान जो है वो इस पाबंदी के चलते उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में कोर्ट ने ये भी माना कि लोग जो असहमति जता रहे हैं इस पाबंदी को लेकर वो उनका अधिकार है। कश्मीर में बैंकिंग व्यापारिक सेवाएं बहाल की जाएं और धारा 144 की 7 दिन के अंदर समीक्षा हो।